Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will do glimpses of the past question answers. Students, हम इस चैप्टर को पहले ही रिवाइज भी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन इज, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? आप क्या समझते हैं कि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड मीन्स दूर की ना सोचने वाले, जो दूर की नहीं सोचता कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, मैं जो ये काम कर रहा हूँ तो वो उसका आगे जाकर के मुझे लाभ होगा या हानि होगी, ये नहीं सोचते थे इंडियन प्रिंसेस. इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757 की घटनाओं में. आंसर इज यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. हाँ, इंडियन के जो राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे, दूर की नहीं सोचते थे कि हम ये काम करेंगे तो इससे युद्ध भी हो सकता है और ये काम करेंगे तो इससे हमें क्या हानि होगी. इन देयर अप्रोच दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश. अब ब्रिटिश क्या करते थे, कूटनीति की राजनीति करते थे, कूटनीति लगाते थे. कूटनीति क्या होती है, फूट डालो राज करो. फूट डालो मीन्स आपस में एक दूसरे को लड़वा देते थे. इंडियन प्रिंसेस क्या करते थे, इंडियन किंग क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे. एक दूसरे से लड़ने में क्या करते थे, इंडियन जो ब्रिटिश थे वो इंडियन पर आक्रमण कर देते थे, उनका राज्य हड़प लेते थे. तो ये आपस में लड़कर मर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, दूर की नहीं सोचते थे और आपस में लड़ते थे. तो ऑफ द ब्रिटिश, दस द ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर्स. इसलिए जो ब्रिटिश थे वो बहुत ही बुद्धिमान बन गए. अपने को होशियार तो कौन बन जाता है, जो चालाकी से काम लेता है, दिमाग से काम लेता है. तो ऐसे ही ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, या अंग्रेज या ब्रिटिश खुद भी कह सकते हैं, इन्होंने क्या किया, इंडियन जो किंग थे उनको आपस में लड़वा दिया. धर्म के नाम पर, कहीं किसी भेदभाव जात पात के नाम पर इन सब ने दंगे करवा दिए और ये आपस में राजा लड़ने लगे, ये मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये सब करके. और इन अंग्रेजों ने हमारा राज्य हड़प कर लिया. सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत एक दिन इतना गरीब हो गया कि उनको खाने के लिए भी अन्न नहीं मिलता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस. अब ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबड्यू मीन्स दबाना, भारत के राजकुमारों को, राजाओं को किस प्रकार से दबाया. आंसर इज, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड. ट्रेड मीन्स व्यापार. ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपना व्यापार फैला दिया. इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन है वहां पर अपना राज्य, अपना व्यापार किया, वहां से सामान मंगाया, इंडियन में बेचा. तो वहां से जो सामान आता था उस पर टैक्स भी नहीं लगाते थे ये, और जो इंडियन में सामान बिकता था इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा महंगा होता था, तो इंडिया को नुकसान देना पड़ता था. और जो इंडिया से सामान जाता था उस पर टैक्स लगाते थे और कम रेट में मिलता था. भारत में जो सामान बनते थे वो अपने ही देश में उनको बहुत सस्ते बिक रहे थे, इसलिए उनको बहुत ही हानि हो रही थी, नुकसान हो रहा था. तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने अपने पूरे इंडिया में अपने विंग्स फैला लिए, मीन्स अपना बिजनेस फैला लिया. एंड दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर. उन्होंने एक इंडियन प्रिंस का साथ दिया, उसको फैसिलिटीज दी, उसको फाइनेंशियल हेल्प की, जिससे कि दूसरे प्रिंस के साथ उसको लड़वा सके. लड़ाई करवाओ, फूट डालो, कूटनीति की राजनीति करो और फिर ऊपर से इनके ऊपर राज्य करो. तो ये आपस में दूसरा जलने लगा कि अंग्रेज इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा था जिसकी हेल्प नहीं कर रहे थे वो उसके अंग्रेजों की गुलामगिरी करने लगे. अब गुलामगिरी करने में क्या होता था, जो भी अंग्रेज कहते थे वो करते थे. तो क्या, अगर अंग्रेजों ने ये कहा कि जाओ उसके ऊपर आक्रमण कर दो या जाओ उसके ऊपर उससे लड़ाई करो, झगड़ा करो, तो यही होता था. अंग्रेज बहुत ही दिमाग लगा करके काम कर रहे थे. दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर. इस प्रकार क्या होता था, एक इंडियन प्रिंस का सपोर्ट किया तो दूसरा इंडियन प्रिंस खुद ही समाप्त हो जाता था.
एज अ रिजल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स. इस प्रकार क्या हुआ, पूरे भारत की जो पावर थी वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई. क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों ने क्या कहा कि भारत में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी. अब इंडियन को प्रिंसेस, इंडियन को तो आती नहीं थी इंग्लिश, उन वहां पर तो संस्कृत पढ़ी जाती थी. तो इन्होंने क्या किया, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो इंडियन बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको कुछ नहीं देखना था. बस जो ब्रिटिश थे उन्हीं को बड़े बड़े इंजीनियर बना रहे थे, बड़े बड़े मैकेनिक बना रहे थे, और इंडियन प्रिंसेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनका उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट द वर्ड्स यूज बाय राजा राम मोहन राय. उन शब्दों को बताइए जो राजा राम मोहन राय ने कहे थे. कोटेशन, टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल, कि हर धर्म एक ही सिद्धांत को बताता है. स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन राय एक बहुत ही लर्नेड पर्सन थे, बहुत पढ़े लिखे थे. तो ये जान गए थे कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे साथ कूटनीति का की नीति खेल रहे हैं, राजनीति में जो है वो हम सबको आपस में लड़ा करके, यानी इंडियंस को आपस में लड़ा करके और राज्य करना चाहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जान गए कि जितना भी व्यापार इंडिया में हो रहा है उसका मुनाफा किसको मिल रहा है, ब्रिटिश अंग्रेजों को. तो वो समुद्र पार करके गए और उन्होंने उन रूलर्स को समझाया कि देखो हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं, तो आपका क्या धर्म है, आपका धर्म है हमारी रक्षा करना. हमारे जो भारतवासी हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है और आप इतने प्रोस्परस होते जा रहे हैं. मगर उनके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर राजा राम मोहन राय की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा. राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर भी चलाया जिसको उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि वो जान गए कि ये व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. राजा राम की पत्नी का नाम उमा था. उन्होंने उमा को समझाते हुए कहा कि गाय का रंग, गाय किसी भी कलर की हो सकती है, गाय काली हो सकती है, भूरी हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, बट उनका जो दूध का रंग है वो एक ही होता है. मतलब कि टीचर्स की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है बट सबका मतलब एक ही होता है. तो द वर्ड्स ऑफ राजा राम मोहन राय स्पोकन टू हिज वाइफ, राजा राम मोहन राय के जो शब्द थे जो उन्होंने अपनी पत्नी से कहे, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, अलग अलग रंग, किसी का सफेद, किसी का काला, किसी का भूरा हो सकता है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, परंतु वो जो दूध देते हैं आप जानते हैं दूध का रंग तो सफेद ही होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग टीचर्स की राय भी अलग अलग हो सकती है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, परंतु सबकी ओपिनियन एक ही होती है. एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, सारा चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, चाहे कोई मुल्ला को माने, सॉरी अल्लाह को माने, चाहे कोई भगवान को माने, चाहे या कोई ईसा मसीह को माने, भगवान तो एक ही है, चाहे हम किसी को भी माने, तो इसलिए सारे धर्म एक हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश एक्सप्लॉइट इंडियंस, एक्सप्लॉइट मींस उनका शोषण करना, किस प्रकार से ब्रिटिश इंडियन का शोषण कर रहे थे. स्टूडेंट्स, 7 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारे देश में आ रहा था. हमारे देश में कपास ज्यादा होती है तो कपास ब्रिटेन जा रही थी और ब्रिटेन से फिर कपड़ा बुन करके हमारे देश में आता था. जो वो बहुत हमारे यहाँ की कपास जो सस्ते में लगाते थे और जब वो कपड़ा बेचते थे हमारे देश में तो बहुत महंगा लगाते थे. ब्रिटेन और अमीर होता जा रहा था, भारतवासी और गरीब होते जा रहे थे. सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश गरीब होता जा रहा था, इतना ज्यादा व्यापार वो हमारे देश में कर रहे थे. और क्या कर रहे थे, इंडियंस की जमीन छीन रहे थे, किसान बेघर हो गए थे, किसानों की जमीन छीन गई थी, उनके पास खाने के लिए नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, एजुकेशन कहाँ से ग्रहण करें, अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें. ये अंग्रेजों के राज्य में ये सारी दुख परेशानियां हमारे भारत में आ रही थी. तो द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रिजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन वुड बी सेंट टू जेल विदाउट अ ट्रायल इन अ कोर्ट, क्या कि किसी भी इंडियन को जेल भेजा जा सकता था.
चाहे उसने कुछ गलत किया या नहीं किया, उसकी सुनवाई भी नहीं होगी कोर्ट में, कि कोर्ट में क्या होता है कि जज कहता है चलो तुम अपनी बात रखो भाई, मगर नहीं, ये सब उसको कोर्ट ही नहीं ले जाया जाता था, बिना कोर्ट ले जाए उसको सजा सुना दी जाती थी, जेल में डाल दिया जाता था। एंड उस एक्ट का नियम ये था, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। जो सामान बनता था, मैन्युफैक्चर मींस बनाना, जो सामान बनता था इंग्लैंड में, वो फ्रॉम कस्टम ड्यूटी जो लोग उनकी उसको ड्यूटी देते थे उसके अनुसार करते थे। द ऑफिसर्स प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। जो ब्रिटेन के लोग थे वो भारत में लूट मचा रहे थे, वो कंपनी, हमारी कंपनी बंद होती चली गई, इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई, लूट। एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लरिस्ट, और उनका जो प्राइवेट बिजनेस था, जो हमारे 7 करोड़ का जो मुनाफा हमारे देश से जा रहा था, वो और फैलता चला गया, और बढ़ता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम दिस पीपल, इन लोगों के नाम बताने हैं। द रूलर हु फॉट पिस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। बहुत तेज की घमासान युद्ध हुआ, लड़ाइयां होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश को क्या किया जाने लगा, देश के बाहर निकाला जाने लगा, लोग एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। एंड तो उन रूलर्स के नाम बताने हैं जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़े। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के थे, वो लड़े। द पर्सन हु वांटेड टू परफॉर्म द रिफॉर्म द सोसाइटी, ऐसे पर्सन का नाम बताइए जो हमारे देश में सुधार लाना चाहता था। राजा राम मोहन राय ओ बंगाल, बंगाल के राजा राम मोहन राय थे वो। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ऐसे व्यक्ति को जिसको इंट्रोडक्शन चाहिए था इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया में, उसका लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले क्या चाहते थे, मैं आपको राजा राम मोहन राय के बारे में भी बता चुकी हूँ। तो लॉर्ड मैकाले क्या चाहते थे कि हमारे देश में इंग्लिश आए, सब लोग जैसे अंग्रेज बोलते हैं तो उनकी भाषा को समझने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए इंडियन भी इंग्लिश स्पीक करें, तो इसलिए वो अपने देश में भी इंग्लिश लाए। टू पॉपुलर इंडियन लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, दो ऐसे इंडियन लीडर्स के नाम बताइए जिन्होंने क्रांति की थी अंग्रेजों के खिलाफ। साहिब, नाना साहिब पेशवा, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। अब मेंशन करना है आपको टू एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, जो हमारे देश में दो एग्जाम्पल ऐसे बताइए जो सोशल प्रैक्टिसेस छाया हुआ था, समाज में क्या छाया हुआ था। अनटचेबिलिटी, दो दोष थे हमारे देश में, अनटचेबिलिटी कि ये जात पात का भेदभाव, ये छोटा है ये बड़ा है, इसका धर्म ये है। स्टूडेंट्स उस समय क्या होता था कि जो बुलेट होती थी, बुलेट कारतूस, उसमें सुअर की चर्बी चढ़ी हुई होती थी और गाय की भी चर्बी चढ़ी हुई होती थी। तो गाय और सुअर की चर्बी चढ़ी हुई होती थी तो हिंदू तो गाय की पूजा करते हैं और मुसलमान सुअर नहीं खाते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया कि हम ही दोनों ही ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, और इन्होंने क्या किया कि हम समुद्र पार करके भी नहीं जाएंगे, क्योंकि समुद्र पार करने से हमारे कस्टम्स, हमारे जो धर्म है वो नष्ट होते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश का साथ देना बंद कर दिया, और तेज लड़ाई होने लगी और फिर रिवोल्ट हो गया। तो अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, बच्चों का विवाह, कम उम्र में ही लड़कियों की शादी की जाती थी, लड़कों की शादी कर दी जाती थी, ये अनमैरिज चाइल्ड मैरिज था। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, आई हैव डन, आई हैव डिस्कस्ड। स्टे होम, स्टे सेफ।